लगा धक्का बेल का भैया, फूलों से बरसा कहाँ हो रही है भैया, यहाँ तो जाट अपने आप बरसा कर रहे हैं फूलों से। विदुर कुटी के पास गंगा किनारे लगे मेले में तंबुओं का शहर पिछले चार दिनों से गुलजार है। गंगा स्नान मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सूरज ढलते ही लोगों ने गंगा में दीपदान किया। वहीं भाजपा नेता प्रिंस चौधरी ने रविवार को हेलीकॉप्टर से विभिन्न स्थानों पर गंगा स्नान मेलों में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। रविवार को गोलबाग चौराहे से स्थित निर्माणाधीन प्रिंस होटल सर्विसेज से भाजपा नेता प्रिंस चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बाबी ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ान भरी। उन्होंने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से बालावाली, विदुरकुटी, गंगा बैराज, शुक्रताल, मखदुमनपुर, हस्तिनापुर आदि स्थानों में लगे गंगा स्नान के मेलों में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। एसपी नीरज कुमार जादौन ने शनिवार देर शाम को मेले का निरीक्षण किया। मीना बाजार में खरीदारी की भीड़ रही। महिलाएं और युवतियां मीना बाजार पहुंचकर कॉस्मेटिक और घर की अन्य जरूरतों का सामान खरीदती दिखाई दी। उधर चाट, पकौड़ी और जलेबी की दुकानों पर भी खूब भीड़ रही। युवा फुटबॉल और कबड्डी खेलते नजर आए। युवाओं की टोली गंगा के जल में देर तक नहाते हुए अटखेलियां करते हुए भी नजर आए। वहीं अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने ट्रैक्टर से करतब दिखाए। इसी बीच गंगा घाट पर फूलों की वर्षा भी होती रही। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पुष्प वर्षा तो गत वर्ष की भांति भी पिछले साल ही पुष्प वर्षा की गई थी गंगा श्रद्धालु, और उस वर्षा करने का उद्देश्य उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना होता है मैंने, कि सभी लोग स्वस्थ रहें। प्रभु से इस वर्ष मैं कामना करता हूं, सभी अपने देवतुल्य जनता के लिए, देवतुल्य हमारे गंगा मेला में आने वाले गंगा के मां भक्तों के लिए यही।